तो लेट्स स्टार्ट विद द ट्यूटोरियल। एंड मैंने अपने फेस को ऑलरेडी प्रेप कर लिया है मेकअप के लिए। सो अभी हम यूज़ कर रहे हैं मेरी फेवरेट कंसीलर एलेगल प्रो की, सो दैट मेरी डार्क सर्कल हाइड हो जाए। एंड ऑल्सो मैं इसे अपने आईलिड पे भी लगा, एंड लगाने के बाद मैं इसे अपनी फेवरेट ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड कर लूँगी। आई डोंट यूज़ एनी ब्रशेज टू ब्लेंड माई कंसीलर बिकॉज ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। सो टेक योर टाइम एंड ब्लेंड योर कंसीलर परफेक्टली। ओके, सो कंसीलर ब्लेंड होने के बाद मैंने लिया है मेबेलिन सुपर स्टे फाउंडेशन एंड मैं उसे शेक कर रही हूँ ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। एंड इसका बस मैं एक पंप ले रही हूँ। एंड दिस फाउंडेशन इज सो गुड, दिस इज माई करंट फेवरेट फाउंडेशन। एंड इसे भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अपने फेस पे लगा रही हूँ। एंड देन मुझे अपने आंखों के नीचे ब्राइटनेस चाहिए था, तो मैं थोड़ी सी लाइट शेड कंसीलर अपने आंखों के नीचे लगा के उससे भी ब्लेंड कर रही हूँ। ओके, सो आफ्टर दैट मैंने लिया फिटमी का लूज पाउडर एंड अपने अंडर आइज को बेक किया। एंड देन आई थॉट कि मैं अपने पूरे फेस को ही सेट कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे फिर लगा कि मुझे थोड़ा सा और प्रोडक्ट चाहिए, और उसे लेकर मैंने फिर से अपने अंडर आइज पे थोड़ा सा बेकिंग के लिए लगा लिया। ओके, सो फॉर द आई शेड आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी पैलेट, और मैं पूरे अपने आईलिड पे ऑरेंज शेड यूज़ करूँगी। बट सबसे पहले मैं अपने आईब्रोज को फिल करूँगी। सो फॉर द आईब्रोज मैं क्या करती हूँ, बस जो भी गैपिंग एरिया बचा होता है उससे बस मैं फिल करती हूँ। एज सच कोई शेप नहीं देती हूँ अपने आईब्रोज को। ओके, सो आईब्रोज फिल करने के बाद मैं ले रही हूँ ये ऑरेंजी मेटेलिक शेड और उंगली से ही अपने आईलिड पे लगा रही हूँ। मैं एक ही शेड यूज़ करने वाली हूँ, इसलिए मैं अपने फिंगर से ही इसे अपने पूरे आईलिड पे लगा रही हूँ। ओके, सो आई शेडो के बाद मैंने अपने बेकिंग को भी रिमूव कर लिया। ओके, सो उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ काजल और अपने आँखों पे एक लाइन लगा रही हूँ एंड उसे स्मच करके विंग जैसा बना दूँगी। सो दिस इज़ वेरी इजी और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है बिकॉज ये स्मच स्मोकी जैसा लगता है देखने में, तो ये बहुत सुंदर लगती है। एंड आफ्टर दैट मैं यूज़ कर रही हूँ काजल। जैसे हम नॉर्मली काजल लगाते हैं अपने पूरे आँखों में, आप वैसे लगा लें। एंड देन मैंने थोड़ा सा शिमर ऐड करने के लिए ब्राउन मेटेलिक शेड लेके अपने आईलिड पे लगा लिया। ओके, सो नाउ आई विल टेक माय मॉर्फी पैलेट एंड उससे ब्राउन शेड लेके अपने नोज को थोड़ा शेप दे रही हूँ एंड कॉन्टोर कर रही हूँ। ओके, सो फॉर द ब्लश आई एम यूजिंग मेबेलिन की ब्लश, बट शेड कौन सी आई डोंट नो, मैं स्क्रीन पे शेड लिख दूंगी। और इसे मैं अपने चीक्स पे लगा रही हूँ एंड इस पर शिमरी पार्टिकल्स है थोड़े से, तो उससे बहुत ही सुंदर ग्लोई इफेक्ट आता है आपकी स्किन पर। ओके, सो नाउ आई विल यूज़ हाईलाइटर एंड उसके लिए मैंने यूज़ किया है वेट एंड वाइल्ड की हाईलाइटर। एंड उससे मैंने अपने हाइस्ट पॉइंट पे लगाया है, चीक बोन, टिप ऑफ माई नोज। एंड आफ्टर दैट मैंने अपनी लिप्स को मॉइस्चराइज किया है एंड दिस लिप बम इज सुपर नरिशिंग एंड हाइड्रेटिंग। उसके बाद मैंने यूज़ किया है ये लिपस्टिक, नाम मुझे याद नहीं है, इसकी जो कलर है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, पर्पली पिंक टाइप की कलर है इसकी एंड ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। तो उससे मैंने अपने लिप्स पे लगा लिया अच्छे से। एंड उसके बाद वेट, अभी पूरा काम नहीं हुआ है, उसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ ये लिप बाम। एक्चुअली ये घर से पिघल गई है, तो ये बिल्कुल लिप ग्लॉस जैसा काम करती है।
एंड इसे लेकर मैंने अपने लिप्स पे लगाया एंड सी द ग्लो. द ग्लो इज सो गुड, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैंने लिप ग्लॉस लगा लिया है. तो इन केस यू डोंट हैव लिप ग्लॉस, आप ये कर सकते हो. तो या गाइस, माय मेकअप इज रेडी एंड दिस इज द लुक दैट आई क्रिएट. आई रियली होप यू ऑल लाइक इट. And yeah, this is the end of today's video. I really hope you enjoyed the video and I will see you in my next video. Till then, stay happy and stay at home and be safe. Bye-bye.